रहीम दोस्तों और साथियों, आज हम लोग आए हैं जी गुजरांवाला में। एक गुजरांवाला की चैम्पियन छत, जाना माना नाम है उस्ताद आजी भट साहब, सियालकोट स्वीट्स वाले। सियालकोट स्वीट्स वाले हुमायूं भट साहब के भाई हैं छोटे, और आज आए हैं यहाँ पे। इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने कुछ ब्रीडर कबूतरों का हमारे देखने वालों को शौक करवाएं, तो इनकी मेहरबानी है जी, इन्होंने टाइम दिया। और कुछ आपने इनके अभी कमगर कबूतर देख रहे थे, कांटों वाले, और भी माशाल्लाह काफ़ी ब्रीड हैं इनके पास तकरीबन सारी, और बड़े आला कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने। कुछ हमने पहले देखे हैं, अभी आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। उससे पहले उस्ताद आजी भट साहब से थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे, और उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, वही फिर इंशाल्लाह आपको अपने जो कुछ सही देखने वाले शौक वाले कबूतर हैं वो आपको दिखाएंगे। तो अभी कैमरा करते हैं जी उस्ताद आजी भट साहब की तरफ। मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं, और उनके साथ मलक अख्तर साहब भी तशरीफ़ फरमाए, ये भी आए हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया जी।
भट्ट साहब, सलाम अलैकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और अपने वो कबूतर जो आप किसी को नहीं दिखाते आज आप दिखा रहे हैं जी हमारे कहने पे, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी आजी भट्ट साहब से पूछेंगे कि कबूतर परवरी का जो शौक है वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और इसके बाद फिर इंशाल्लाह मज़ीद भी गपशप करेंगे। बिल्कुल जी, मुझे इस शौक़ में तकरीबन 32 साल हो गए हैं माशाल्लाह। और छोटा था मैं, बड़े भाई ने रखे हुए थे कबूतर, तो उनको देखना मुझे ये शौक़ पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा जुनून बढ़ता गया, फिर मैंने ये कबूतर जो अपने मतलब के अपने हिसाब से मैंने ये बनाए हैं ये कबूतर। कुछ मियां नज़ीर के हैं इसमें से, बाकी जो नस्ल है वो मैंने खुद बनाई है इनमें से। क्या बात, माशाल्लाह। तो ये कमकर कबूतर हैं हमारे, उसके अलावा हमारे ये लाल परी वाले टैडी हैं। ये दोनों का क्रॉस जब उड़ता है ना तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इनका। हमाइयों भट्ट साहब की छत पे भी, मेरे बड़े भाई हैं वो, उनकी छत पे भी रिजल्ट आया इनका। उसके बाद चौधरी मकसूद गोंदल सियालकोट 2015 में यही इन्हीं कबूतरों के पट्ठे पट्ठियाँ उड़े थे और इन्होंने बहुत अच्छे झंडे गाड़े थे, कितने कप जीते, अमेरिका कैनेडा कप जीता और सियालकोट के 6 कप जीते, उसके अलावा पंजाब में पोजीशन दूसरी हासिल की इन्होंने। उसके बाद ये कबूतर जो है ना वो मैंने उधर से शौक ट्रांसफ़र किया, निके चौंक में ले आया मैं पुरानी छत पे शहर वाली, उधर आके एक साल में मैं बैसाख चैम्पियन हुआ इन्हीं पट्ठे पट्ठियों इन्हीं के पट्ठे पट्ठियों से मैं बैसाख चैम्पियन हुआ। गुजराल में तीसरी प्रवाज उड़ रही थी तो उस वक्त अंधेरी आ गई, 44 छतें उड़ी थी, 44 छतों के कबूतर चले गए। अच्छा, सिर्फ वाहद मेरे कबूतर थे इनके पट्ठे पट्ठियाँ जो अंधेरी में बैठे, 14 दफ़ा ऊपर गए आसमान में, 14 दफ़ा नीचे आए। क्या बात, बादलों की गरज, बारिश, अंधेरा, तो ये 7 जो इनके पट्ठे पट्ठियाँ थे इन्होंने पूरे शहर को विन करके बैठे थे ये, बाकी किसी छत का कबूतर गुजराला में नहीं बैठा था। इनके पट्ठे पट्ठियाँ 7 के 7 बैठे। उसके अलावा उसी जेठ में 2017 में इनकी एक पट्ठी पंजाब में 7:46 पर बैठी और पंजाब की विनर उड़ा रहा सर की निके चौंक में, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ये कबूतर इधर ट्रांसफ़र किए हैं कच्चा इमनाबाद रोड पे। तो जब मैं इधर आया तो 6 महीने में तैयारी करके पंजाब में बैसाख में दूसरी पोजीशन हासिल की, चौधरी मोहित नवाज कुमार के कप में रहा, वही था ना। हाँ जी, उसके अलावा फिर मेरी आशिक सैन से बाजी थी, मेरी मीर मुख्तार से बाजी थी, मीर मुख्तार से मैं 6-1 से जीता और आशिक सैन से मेरा 6-5 से मुकाबला रहा, दोनों से मैं जीता हूँ मुकाबला। अब 2 साल बाद मैं फिर दोबारा इंटर हुआ हूँ शौक में, कुछ कोरोना की वजह से शौक कम किया हुआ था, कुछ मेरे वाला साहब फोत हो गए थे, उसके बाद अगले साल मेरे भाई फोत हो गए तो वो शौक ना वो उस तरीके से नहीं हुआ। इस दफ़ा मेरी 5-6 घरों के साथ बाजी लगी हुई है और 10-12 घरों के साथ और बाजी लगेगी, जिनके साथ बाजी लगी है वो अख्तर साहब आपको बताते हैं। चलिए जी, वो भी पूछते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, ये भट्ट साहब ने आपको एक टिप भी दे दी है बड़ी ज़बरदस्त, कि बता रहे थे शुरू में ही आपको कि ये जो इनके पास कमंगर कबूतर हैं और लाल परी, हाँ जी, इनका जो क्रॉस है वो इनके पास उड़ा है और बेमिसाल परवाजें आपको बता भी रहे थे, चैम्पियन भी हुए हैं और 7:46 तक माशाल्लाह जेठ में इनकी मादी उड़ी है, चैम्पियन हुई है, ज़बरदस्त जी। थोड़ा सा बता दें जी मलिक साहब, इस दफ़ा जो इनकी अभी तक बाजियाँ लग गई हैं थोड़ी सी वो भी डिटेल बता दें और बाकी इंशाल्लाह फिर कबूतरों के मतलब भट्ट साहब से दोबारा गुफ्तगू करेंगे। कैमरा करो जी मलिक साहब और बाजियाँ की डिटेल। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, पहले गल ये कि उस्ताद अजी भट्ट साहब ने जड़िया गल् कीतिया ने असं उन्हें तईद करने हैं, बिल्कुल ठीक हकीकत से मुबना गल् ने माशाल्लाह। इस वक्त इन्होंने 5 घर मुकाबले तय हुए हैं, सियालकोट के उस्ताद हसन शाह छत बट्टा का डेरा, उस तो बाद समड़ैल वर्ल्ड चैंपियन उस्ताद चौरी महीनों घुमन साहब न भी इन्हों का जेठ का मुकाबला तय हो गया है, शाह लेबल आए सियालकोट उन्होंने मुकाबला तय है, गुजरांवाल तो उस्ताद नौमी गुजर जेडे कि उस्ताद चौरी महीनों घुमन साहब के शहीद उस्ताद ने उन्होंने मुकाबला तय हो गया है, एक अपना उस्ताद
खालत टोटी संगो वाली ये भी चौरी मैनुअल घूमन पार्टी है माशाल्लाह पांच घरां दा मुकाबले तय ने मजीद होर भी मुकाबले अल्लाह के फजल नाल इन्हां पंद्रह घरां तय होंगे तकरीबन भी घरां दा शौक होएगा इंशाल्लाह शौक का मजा आएगा जेठ ही तुहानू अच्छियां परवाज़ां वेखने मिलनगियां इंशाल्लाह उस्ताद आजी भट्ट साहब की छत्त दे उत्तों माशाल्लाह जी उस्ताद आजी भट्ट साहब नहायत शरीफ ते बेहतरीन इंसान ने इन्हां तल्लक उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी नाल उस्ताद असलम भट्ट साहब के ग्रुप के माशाल्लाह सदर ने माशाल्लाह जी इंशाल्लाह तुहानू अच्छा शौक वेखने में नज़र आएगा तुहानू कबूतर इंटरव्यू कराए ने एक मगर कबूतर ने कंटियां ले जिन्हां दियां लाजवाब परवाज़ां ने माशाल्लाह अच्छे कबूतर उड़ते हैं उस तो बाद तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह उन्होंने जोड़े क्रास कबूतर ने टैडी वो भी बहाए जाएंगे लाल परी भी बहाए जाएंगे जोड़े क्रास करके जिन्हें बच्चे उड़ते हैं बाकी सियालकोट के चौरी मकसूद कानपुर की छत के उत्ते इन्होंने कबूतर ने माशाल्लाह झंडे गाड़ दिते हैं बड़े इनामत हासिल किए पंजाब कप जीते साडे गुरुनानक शहर के भी माशाल्लाह चैंपियन रहे हैं विसाख 2017 जो उन्हें बयान किया पंजाब कप के भी इन्हां दी पोजीशन अच्छी आई हैं 7:44 इन्हां परिंदे बह के इन्हां इनाम हासिल किया माशाल्लाह उस तो बाद आमर रंजा साहब आए ने माशाल्लाह आर्गनाइजर ने उस्ताद चौरी मैनुअल घूमन ग्रुप साहब के ग्रुप के माशाल्लाह बहुत वड्डा मीडिया का नाम है बड़े पुराने माशाल्लाह जी कप कराने वाले ने माशाल्लाह इन्हां दे कप शप बहुत अच्छे कराते हैं इंशाल्लाह 8:31 रिजल्ट बाहर आ जाता है असीं इन्हां शुक्रगुजार हाँ कि सानू इन्हें अपना कीमती टाइम दिता है चौरी मैनुअल घूमन साहब के भी बाकी आमर रंजा साहब ने गुफ्तगू कर मेहरबानी जी भट्ट साहब अपना मलिक साहब थोड़ी बहुत शुक्रिया मेहरबानी थोड़े लोगों की है जी तुम माशाला इस शौक न बड़ा अगे लैके गए हो और पुराने इस शौक असी तो थोड़े लोगों देख देख के सीखे और मेहरबानी है तुम सू जो रिकगनाइज कर दौ बहुत शुक्रिया भट्ट साहब थोड़ा जहा जो ना जेड़े तुहाड़ियां खास ब्रीडां खास तौर पर जिहड़ा तुसीं जिक्र कर रहे हो लाल परियां दा और कमकरां दा मलिक साहब चले गए ने जी इंशाल्लाह तुहानूं कुछ कबूतरां दा शौक करवाने हैं जी दोस्तों इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी भट्ट साहब दिखाओ जी भट्ट साहब जी भट्ट साहब कौन सी नस्ल दिखा रहे हैं आप ये लाल परी वाले टैडी कबूतर दिखा रहे हैं तीन कबूतरों की हिस्ट्री में बताऊँगा ये कहाँ कहाँ उड़े हैं जी और हमारे पास कैसे पहुंचे बिल्कुल ये लाल परी वाले टैडी कबूतर हैं जी दोस्तों लाल परियों का शौक करो जी माशाल्लाह भट्ट साहब के कोल बड़े लाजवाब माशाल्लाह जी कबूतर लाल परी शुक्रिया जी बड़ी साहब अजय जरा दोबारा दिखा दो बड़ी साहब ठीक हो गया इन कबूतरों की मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ जी ये कबूतर इनका एक पट्ठा हमाइया भट्ट साहब की छत पे उड़ता था 20 नंबर 8:20 8:25 उस वक्त 9 बजे तक उड़ा रहे होती थी टाइम 9 बजे तक था ये निकलता इस 7:30 बजे के बाद था इसका पट्ठा इसी कबूतर का पट्ठा इसी कबूतर के पट्ठे का पट्ठा यानी कि इस कबूतर के पट्ठे का पट्ठा तो वो 5 साल तक उड़ता रहा माइयों भट्ट को उन्होंने 5 साल तक बाजियां जितवाई क्या बात है माशाल्लाह यानी कि 8 बजे के बाद ही बैठता था वो 20 नंबर वेरी गुड तो माइयों साहब ने वो मुझसे इसका पट्ठा मंगवा लिया ठीक है तो इसका पट्ठा उन्होंने अपनी ब्रीडर कबूतरियों के साथ लगाया तो उसके जब पट्ठे पट्ठियाँ निकले तो अल्लाह जना नसीब करे मियाँ नज़ीर साहब जी वो माइयों साहब के पास आए शौक करने के लिए ठीक है तो मियाँ मैं मियाँ नज़ीर पार्टी का हूँ जी जी और वो मेरे मौसन हैं और जब उन्होंने ये वाली ब्रीड देखी ना लाल परी वाली जी तो उन्होंने माया साहब से फरमाइश की कि आप मुझे इनके पट्ठे पट्ठियाँ दें ये नस्ल मेरे पास ख़त्म हो गई है क्या बात है ये ईमानी कुरानी बात है वो मेरे मौसन हैं मैं उनकी पार्टी का हूँ
फिर माइयों बाट साहब ने 9 पट्ठे पट्ठियां उनको मियां नदीर साहब को दिए थे। क्या बात है ये जी, माशाल्लाह माल परी है नायाब जी, नायाब। 35-35 साल से ये मेरे पास है, तकरीबन 35 साल हो गए हैं। ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस जो है कांटे वाले कमगर जी, या सलारे कमगर, मैं आगे आपको सलारे कमगर का भी शो कराऊंगा, दूसरे कमगरों का भी शो कराऊंगा जी। ये दोनों मिलके जी, ये दोनों मिलके जब उड़ते हैं ना, फिर अखीर करते हैं ये दोनों ब्रीड जो हैं। क्या बात है, लाल परी वाले टैडी और ये दूसरा मैं आपको शो करा। ये दोस्तों एक और लाल परी, इसका मोरा देखें जी, और देखने वाले मेरे दोस्त बताएं जी कैसा लगा आपको ये कबूतर। ये बुंदा जी शौक करें जी, माशाल्लाह। ये रे एक और परिंदा जी, ये वाली वो ब्रीड है, ये देखें इसमें जी, इसमें लाल परी आएगी, ये देखें भट्ट साहब जो हैं वो इन्होंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। ये देखें जी लाल परी वाले कबूतर, ये जो लाल परी थे मियां साहब को बहुत पसंद थे ये वाले कबूतर, भट्ट साहब से मैं जब उन्होंने देखे तो उन्होंने इजहार किया कि यार ये नस्ल मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो भट्ट साहब मैंने आपसे ये नस्ल लेकर जाने। लाल परी इनका कुंदा देखें, जैन शाह साहब पूछ के इंशाल्लाह जी भट्ट साहब से, तो इनका टिश्यू देखें, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर आपको इनकी हड्डी देखें, नंबर देंगे जी, कैसी लचकदार है कबूतर की हड्डी जो है ना, ये वाली पर की ये लचकदार होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए, टिशू उसका बेहतरीन टिशू होना चाहिए। और ये लाल परी कबूतर, ये एक और कबूतर का शौक है, ये कबूतरी है जी। नहीं जी, ये दोस्तों एक और लाल परी, ये मादा है, लाल परी मादा, इसका मोरा देखें, इसकी आंख देखें, माशाल्लाह कुंदा है इसका लाल परी का। ये आपको मैं इकट्ठे करके भी इनका शौक दिखाता हूँ इंशाल्लाह जी, एक एक इनकी वीडियो आपको दिखाते हैं जी। एक ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में व्हाट्सएप में संभाले हुए हैं कबूतर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दूसरी नस्ल के हैं जी, इसकी अब चौथी पीढ़ी चढ़ गई हुई है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, पहली नस्ल में 2-3 कबूतर हैं जो जिंदा हैं अभी, और ये दूसरी नस्ल के कबूतर हैं। इनके पट्ठे पट्ठियाँ उनसे आगे भी इनके पट्ठे पट्ठियाँ चल रहे हैं, 30-32 साल हो गए तो लाजमी बात है चार नस्लें तो आ ही गई होंगी इसकी। कुशक पंजे माशाल्लाह, आंख का क्लोजअप दिखाओ जी, भाई री डिमांड कर रहे हैं, आंख जरा दिखाओ। मियाँ साहब को जो अंक पसंद थी ना जी, उसके एंड पे जो गुलाबी डोरा था ना,
मियाँ साहब वो कबूतर बहुत पसंद करते थे। वो जो ये सफ़ेद आंखों वाले जो टैडी हैं ना, वो उनको नहीं मानते थे। वो कहते हैं असल टैडी ये है जिनके एंड पे हल्का सा गुलाबी डोरा आता है। और मियाँ साहब को ये कबूतर बहुत पसंद थे। ये एक और शौक मकरा हुआ, ये देख, ये भी दूसरी नस्ल का है। ये देखें लाल परी, इसमें ये लाल परी वाले कबूतर हैं। ये दूसरी पीढ़ी चढ़ रही है। ये देखें ये कुंदा, फ्लेक्सेबल कुंदा है इनका। टिशू देखें इनका, धूम देखें इसकी। एक मिनट ए वाला बहा के ना, फिर ये पंजे हैं इसके, ये हम का शौक करें। एक मिनट फिनिश कर दो।